ईशान, वैसे तुम सवी जैसी वाइफ ही डिजर्व करते हो, जो तुम्हारे परिवार की इज्जत की परवाह ना करे, बस वही करे जो वो चाहती है। मेरी बेटी जैसी लाइफ पार्टनर नहीं डिजर्व करते, जो तुम्हारे लिए सिर्फ अपने सपने ही नहीं बल्कि अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने जज्बात, अपना आत्मसम्मान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए उसने खुशियों से दूरियां बना ली और अपनी खाली जिंदगी में दुख और तकलीफें भर ली। मॉम, आप ये सब क्या? और आप सुरेखा जी, आप भी ऐसी ही बहू डिजर्व करती हैं, जो आपकी बात सिरे से नकार दे और सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दे, जो एक छोटे और गरीब घर से आती हूँ, ना कि मेरी बेटी की तरह जो एक पढ़े लिखे और रईस खानदान से आती है। मैम प्लीज, पहली बात तो आपको मेरे बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, और अगर आपको कुछ बोलना ही तो आप सिर्फ मेरे बारे में बोलिए, मेरे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मैं तो इनके बारे में कह रही हूँ जो हाथ जोड़ के आई थी मेरे घर पे, तो मेरी बेटी से कहा था कि तू ही इस घर की असली बहू है और हमेशा रहेगी, और आज इस ताम झाम के साथ ये रिसेप्शन दे रही है। दोगलेपन की भी हद होती है, मगर बस अब बहुत हो गया आप सबका नाटक। बस मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए, मेरी रीवा इस घर में अब नहीं रहेगी।